हेलो, गुड आफ्टर गुड इवनिंग सर। बस गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं। देखिए, 11th क्लास में जो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, वो थोड़ा थ्योरेटिकल है एंड उसमें कुछ पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। तो मेनली जो यस आपका चैप्टर स्टार्ट होता है वो सेकंड चैप्टर से स्टार्ट होता है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। ठीक है, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में जितना इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत होती है वो हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके। यूनिट्स एंड डायमेंशन। सबसे पहली चीज में हम डिफाइन करते हैं क्वांटिटी, उसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। जी आपको पता है फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं किसको? फिजिकल क्वांटिटी सर? नो, उसका आइडिया नहीं है फिजिकल क्वांटिटीज को। देखिए, कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हो मतलब इसके लिए कोई यूनिट डिफाइन कर सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी का सिंपल मतलब होता है ऑल मेजरेबल क्वांटिटी, वॉल मेजरेबल। जिनको हम मेजर कर सकते हो। ओके जब हम मेजर करते हैं किसी क्वांटिटी को, तो वो दो तरह से मेजर कर सकते हैं। या तो मैं डायरेक्टली मेजर कर सकता हूँ या मैं इनडायरेक्टली मेजर कर सकता हूँ। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजरेबल कहने का क्या मतलब है? ठीक, तो सपोज कर लीजिए मैं किसी क्वांटिटी को डायरेक्टली मेजर कर सकता हूँ या इनडायरेक्टली मेजर कर सकता हूँ। डायरेक्टली मेजरेबल का मतलब जैसे मैं लेंथ इन टर्म्स ऑफ मीटर, मैं टाइम कैलकुलेट करूं इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे किसी और दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली मेजरेबल। ठीक, एक दूसरी क्वांटिटी होती है जिसको इनडायरेक्टली, मतलब किसी दूसरे क्वांटिटीज के हेल्प की वजह से मैं इन क्वांटिटीज को मेजर कर सकता हूँ, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्टली मेजरेबल। जैसे अगर आपको कैलकुलेट करना हो स्पीड, जरा पता नहीं। हेलो, हाँ जी, ओके। तो हमें कैलकुलेट करना है जैसे स्पीड, तो स्पीड हमने फॉर्मूला पढ़ा था सिंपल, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस क्या होता है? एक लेंथ का मेजरमेंट, तो उसके लिए पहले मुझे लेंथ चाहिए, एंड टाइम सिंपली टाइम का मेजरमेंट। ठीक, तो मुझे स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक लेंथ एंड दूसरा मेरे पास टाइम। इसीलिए स्पीड को मैं इनडायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटी बोल सकता हूँ, बट यहाँ पे लेंथ एंड टाइम इनको डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटी बोल सकता हूँ। तो कोई भी क्वांटिटी दो तरह से मेजर की जा सकती हो, एक डायरेक्टली मेजरेबल और एक इनडायरेक्टली मेजरेबल। इनडायरेक्टली मेजरेबल को हम एक अनदर नेम व्हिच इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, एंड इनडायरेक्टली मेजरेबल को एक अनदर टर्म, उसको हम डेराइव क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक, तो हमने सिंपली डिफाइन कर दिया फिजिकल क्वांटिटी कहते किसको हैं, जितने भी मेजरेबल क्वांटिटीज होंगी उनको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक, अब मेजरेबल क्वांटिटी दो तरह से, डायरेक्टली मेजरेबल हो मतलब जिसको कैलकुलेट करने के लिए किसी और क्वांटिटीज की जरूरत ना हो, और इनडायरेक्टली मेजरेबल जिसको कैलकुलेट करने के लिए किसी और दूसरी क्वांटिटीज की हेल्प की जरूरत हो, तो उनको हम इनडायरेक्टली मेजरेबल। तब वहां पे दो टर्म डिफाइन हुआ, एक फंडामेंटल जो डायरेक्टली मेजरेबल हो और डेराइव जो इनडायरेक्टली मेजरेबल हो। तो अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में डिफाइन करते हैं, तो उसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज एग्जिस्ट करेंगी सब क्या कहलाएंगे? डेराइव क्वांटिटीज कहलाएंगे। ठीक, यहां तक कोई मुश्किल?
नो सर ओके तो सबसे पहले चीज हम डिफाइन करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी क्या थे किस पर फंडामेंटल क्वांटिटी ठीक तब बोलिएगा क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज अब ये फंडामेंटल क्वांटिटी दो तरह की हो सकती है ठीक एक को बोलते हैं हम लोग बेस क्वांटिटी और बाद में कुछ क्वांटिटीज को इंक्लूड किया गया उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी तो इन जनरल फंडामेंटल क्वांटिटी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है बेस क्वांटिटी टोटल सात तरह की होती है सबसे फर्स्ट इज लेंथ इसको मेजर करते हैं हम लोग मीटर्स में सेकेंड इज मास इसको मेजर करते हैं किलोग्राम में टाइम इसको मेजर करते हैं हम सेकेंड्स में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको मेजर करते हैं हम लोग मोल्स में इंटेंसिटी ऑफ लाइट इसको मेजर करते हैं हम लोग कैंडेला नेक्स्ट होता है मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर एंड लास्ट इज टेम्परेचर इसको मुझे कहते हैं लोग केल्विन तो टोटल मेरे पास सात बेस क्वांटिटीज होती हैं जिसके बेस पे पूरी फिजिक्स डिफाइंड होती है और मेनली इन्हीं क्वांटिटीज को यूज करके हर क्वांटिटीज फॉर्म होती हैं इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी इनके अलावा जितनी क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं सब डेराइव क्वांटिटीज कहलाती हैं यहाँ तक कोई मुश्किल नो सर ओके अब इसके अलावा कुछ क्वांटिटीज को इंक्लूड किया गया ठीक जो बाद में ठीक है जिनकी प्रॉपर्टी इन क्वांटिटी से थोड़ी डिफरेंट होती है जैसे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जिसमें फर्स्ट टर्म आता है प्लेन एंगल बेसिकली एंगल डिफाइंड इन टू डायमेंशन जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक सर्कल है इस तरह ठीक एंड यहां पे मैं एंगल लू जैसे एक रेडियस यहां ड्रॉ कर दीजिए एक रेडियस यहां ड्रॉ कर दीजिए और यहां पे इंक्लिनेशन थीटा इसके सामने वाले लेंथ को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क यहां से यहां तक टर्म को इसको बोलते हैं रेडियस इसको बोलते हैं रेडियस तब यहां पे एक फॉर्मूला आता है थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस तब इस पर्टिकुलर एंगल को हम बोलते हैं प्लेन एंगल और टू डायमेंशन में जो एंगल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं इसकी यूनिट होती है रेडियन ठीक मैं आपको आगे बताऊंगा इस एंगल मेजरमेंट कैसे कैसे करते हैं और अब तक हमने डिग्री मेजरमेंट पढ़ा होता है उसे कन्वर्ट कैसे करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा ठीक है ओके सर नेक्स्ट होता है मेरे पास थ्री डायमेंशनल में अगर एंगल हो तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल ठीक जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक सरफेस ले लिया यहाँ पे कोई एक पॉइंट कॉर्नर यहां से इस तरह से फॉर्म होता है तो फ्रंट में जो एरिया इंक्लूडेड है ठीक उसके साइड में जो डिस्टेंस है उसको आर बोलते हैं यानी सामने जो एरिया होता है उसको ए बोलते हैं तो यहाँ पे जो कॉर्नर पे जो एंगल बनता है ठीक जैसे किसी भी रूम के कॉर्नर पे ठीक जो एंगल बनता है उस एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल इसको डिनोट करते हैं हम लोग ओम से ओम इज इक्वल्स टू एरिया इन फ्रंट ऑफ इट बाय आर स्क्वायर ठीक एंड इसको मेजर करते हैं एक यूनिट में उसको बोलते हैं हम लोग स्टी रेडियन ठीक तो इसकी जरूरत अभी आपको नहीं पड़ेगी जब आप क्लास 12 में जाएं तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है तो अभी मेरे लिए हम
प्लेन एंगल की जरूरत यूज करते हैं, ठीक, बाद में जब इसकी जरूरत होगी तब आप डिफाइन कर लेंगे। यहाँ तक कोई मुश्किल? नो सर। ओके, अब नेक्स्ट हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन कर दी। अब इस फंडामेंटल क्वांटिटीज जितनी सारी चीजें हमने यहाँ पे लिखी हैं, इन क्वांटिटीज के अलावा जितनी क्वांटिटीज एग्जिस्ट करेंगी सबको हम डेराइव बोलेंगे, या वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से डिफाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है मेरे पास इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को के बेस पे एक टर्म हम पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डायमेंशन एनालिसिस। सबसे पहली चीज, डायमेंशन का मतलब क्या होता है? जैसे अब तक हमने मैथ्स में पढ़ा होता है, जैसे अगर ज्योमेट्री हम यूज करते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं लेंथ, ब्रेथ, हाइट, विड्थ, डेप्थ, ये सारी चीजें यूज करते हैं। इसको यूज करके हम एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ, ये सारी चीजें। बट फिजिक्स में डायमेंशन का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डायमेंशन का मतलब किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में रेज पावर के टर्म में रिप्रेजेंट करिए, एंड उस रिप्रेजेंटेशन के बेस पे उसकी एसआई यूनिट डिफाइंड होती हो, तब उस रिप्रेजेंटेशन को हम डायमेंशन बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं मेरे पास कोई क्वांटिटी स्पीड है, स्पीड सिंपली डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ का मेजरमेंट, तो इसके लिए मैंने लेंथ ले लिया, एंड टाइम, टाइम का मेजरमेंट, इसको मैंने टी ले लिया। तब इस क्वांटिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेंथ टाइम रेज टू द पावर नेगेटिव वन। ये लेंथ डिफाइन किया मीटर को, इसकी यूनिट, एंड ये टाइम उसकी यूनिट सेकंड। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो क्वांटिटी आई वो क्वांटिटी उसके ऐसा यूनिट को डिफाइन किया कि स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तब ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ यहाँ पे, ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, इस रिप्रेजेंटेशन को हम डायमेंशन बोल सकते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन बोल सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बोल सकते हैं। तो सिंपली डायमेंशन का मतलब होता है किसी भी क्वांटिटी को रेज पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, एंड वो रिप्रेजेंटेशन उसके एसआई यूनिट को डिफाइन करे, तब उस क्वांटिटी को या उस रिप्रेजेंटेशन को डायमेंशन बोलते हैं। तो हम यहाँ से डिफाइन करते हैं representation of any quantity to the raised power of fundamental which defines their SI unit। तो इस तरह से हम डायमेंशन के को डिफाइन कर सकते हैं। यहां तक मुश्किल? नो सर। अब इस डायमेंशन में कुछ बेसिक्स डायमेंशन मैं आपको बताता हूं, उसको यूज करके बाकी सारे डायमेंशंस कैलकुलेट करने में इजी होगा, ठीक। जैसे कुछ बेसिक जैसे स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट, इन सब के लिए डायमेंशन मास नहीं होता, सिंपली LT माइनस वन। नेक्स्ट होता है मेरे पास एक्सेलरेशन, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड। पेयर वाइज भी जितने सारे सेम क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं वो भी मैं एक साथ लिख दे रहा हूं ताकि आपको इजीली याद रखने में होगा। तब ये टर्म होता है स्पीड बाय टाइम, विच इज मास नहीं होता, LT माइनस टू। नेक्स्ट फोर्स, वेट, नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन। इन सब का डायमेंशन सेम होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, सो MLT माइनस टू। नेक्स्ट वर्क, energy, heat, torque, इन सब का डायमेंशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो ML स्क्वायर T माइनस टू। ठीक, यहां तक कोई मुश्किल? नो सर।
इसमें कुछ कुछ टर्म आप नहीं जानती होंगी, वो टॉर्क हीट के बाद लिखना। हाँ टॉर्क ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा, रोटेशनल मोशन एक चैप्टर होगा 11th क्लास में, वहां जानेगा। ठीक है ओके ओके आगे मूव ऑन करें। यस सर। नेक्स्ट होता है मेरे पास प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला जानते हैं आप? पास्कल। पास्कल उसकी यूनिट होती है। प्रेशर का फॉर्मूला नहीं पता। फोर्स बाय एरिया। ठीक उसी सेम क्वांटिटी को एक अनदर वे में स्ट्रेस बोलते हैं। नेक्स्ट होता है मेरे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये तीन तरह की होती है, यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। ये इलास्टिसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है, इसका भी डायमेंशन प्रेशर के डायमेंशन के इक्वल होता है। नेक्स्ट होता है मेरे पास एनर्जी डेंसिटी। इन सब का डायमेंशन होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, सो ML माइनस वन एंड T माइनस टू। इस बार नीट में 2020 में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया था स्ट्रेस का डायमेंशन कितना होता है। ठीक आपको जनरली ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी क्वांटिटी सेम डायमेंशन की रिजेंबल करती है, और आपको चार ऑप्शन दे देंगे, तो पेयर वाइज अगर याद रखिएगा तो ज्यादा इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ओके सर। नेक्स्ट होता है मेरे पास एक क्वांटिटी, उसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम। एंड एक होता है मेरे पास प्लैंक्स कांस्टेंट। इन दोनों के लिए एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इनटू टाइम व्हिच इज ML स्क्वायर T माइनस वन। नेक्स्ट लीनियर मोमेंटम एंड इंपल्स। इसका होता है ML स्क्वायर ML T माइनस वन मास टाइम्स वेलोसिटी। तो इतने बेसिक फॉर्मूले आप याद रखें, ठीक, जिसके बेस पे बाकी सारे डायमेंशंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ओके सर। ओके अब डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं क्वांटिटीज को ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन डिफाइन करूं, ताकि इजीली और डायमेंशन कैसे कैसे अदर क्वांटिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं डिफाइन हो पाए। ठीक है तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ठीक, मैं किसी क्वांटिटी को दो तरह से ब्रेक करता हूं। ठीक पहला होता है मेरे पास डायमेंशनल क्वांटिटी, क्वांटिटी जिसके पास कोई यूनिट हो उनको हम लोग डायमेंशनल क्वांटिटी बोलते हैं। अब ये डायमेंशनल क्वांटिटी दो तरह की हो सकती है, एक डायमेंशनल कांस्टेंट वैल्यू शो करता, मतलब यूनिट तो हो बट होल यूनिवर्स में उसकी वैल्यू हमेशा किसी को फिक्स्ड हो, तो उसको हम बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक आपने क्लास 9th में फिजिक्स में ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, वहां पे एक टर्म पढ़ा होगा कैपिटल जी, इसकी वैल्यू पड़ी होगी 6.67 × 10⁻¹⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये फिक्स होती है इसकी पूरी होल यूनिवर्स में, एंड यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये टर्म उसकी एक फिक्स यूनिट भी है, इसलिए इस क्वांटिटी को हम लोग डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है नेक्स्ट होता है मेरे पास प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको डिनोट करते हैं एच से, इसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻¹⁴ जूल सेकंड। इसको पढ़िएगा आप जब लाइट की एनर्जी के बारे में डिफाइन करते हैं वहां पे। ठीक नेक्स्ट होता है मेरे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको डिनोट करते हैं हम लोग केवी से, इसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻²³ जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये अलग अलग क्वांटिटीज मैंने डिफाइन की ऑन द बेस ऑफ यूनिट, एंड उसकी वैल्यू हमेशा कैसी फिक्स्ड हो, इसलिए मैं डायमेंशनल कांस्टेंट वैल्यू बोल सकता हूँ।
कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो नंबर वाइज या न्यूमेरिकली चेंज होती है, बट उसकी यूनिट हो तो उसको हम बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटी, जैसे फोर्स, वर्थ, एनर्जी, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड सारी चीजें। इन सब की न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग इक्वेशन में चेंज हो सकती है, बट इसकी यूनिट हमेशा कैसी होगी, फिक्स्ड होगी, इसलिए इसको हम लोग डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटी बोलते हैं। यहाँ तक कोई मुश्किल? नो सर। ओके, तो हमने जो डिफाइन किया ऑन द बेस ऑफ डायमेंशन, पहली क्वांटिटी डायमेंशनल क्वांटिटी जिसकी यूनिट हो, तो वो दो तरह से, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट वैल्यू एंड डायमेंशनल वेरिएबल वैल्यू। नेक्स्ट टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, मतलब जिसकी यूनिट ना हो तो वो कैसे हो सकता है। नेक्स्ट इज डायमेंशन लेस हैविंग नो यूनिट, तब इसमें दो तरह की चीजें। सबसे पहली चीज डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट वैल्यू, मतलब वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स हो और उसमें कोई यूनिट भी ना हो। ऐसी कोई क्वांटिटी जानते हैं जिसकी कोई यूनिट ना हो और उसकी वैल्यू फिक्स हो? एवोगाड्रोस नंबर। हाँ, नंबर बोल सकते हैं। नेक्स्ट रियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, yes, sir. इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कोई यूनिट नहीं होती है। अपने क्लास टेंथ में एक टर्म पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन 30 1 बाई 2, उसकी फिक्स वैल्यू होती है साइन 30 हमेशा 1 बाई 2 ही होगा, चेंज नहीं करेगा। एंड इसकी कोई यूनिट नहीं होती, पाई, पाई की वैल्यू 3.14 या 22 बाई 7, फिक्स वैल्यू, नो यूनिट। एंड एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग पी, विच इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसकी वैल्यू होती है 2.72। डायमेंशनलेस क्वांटिटी जो कि वेरिएबल वैल्यू शो करती हो, वो कैसे कैसे कर सकते हैं? ठीक, तो वेरिएबल वैल्यू शो करने के लिए जिसकी यूनिट ना हो और हर अलग अलग जगह उसकी वैल्यू चेंज करती हो, तो उन क्वांटिटी कैसे किसको बोलते हैं? तो इसमें एक टर्म आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन एक्चुअली में रेशियो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का, और ये वैल्यू हर अलग अलग जगह चेंज हो सकती है एंड इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि न्यूमरेटर में भी मीटर है एंड डिनोमिनेटर में मीटर है, इसीलिए वेरिएबल क्वांटिटी एंड यूनिटलेस। नेक्स्ट होता है मेरे पास एंगल। हमने पीछे कहा था प्लेन एंगल, उसकी यूनिट रेडियन, ठीक, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, बट एंगल हर अलग अलग जगह चेंज हो सकती है। तो एंगल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी यूनिट तो होती है बट कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक, यूनिट बट नो डायमेंशन, ये सिंगल क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा आपने क्लास टेंथ में एक टर्म पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस सर। ये क्या होता था? चेंज लाइट की मीडियम, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज होती है लाइट, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस मीडियम के ऑप्टिकल डेंसिटी या उसकी वजह से उसके स्पीड में चेंज आना, उसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, तो उन दोनों का रेशियो कोई यूनिट नहीं होती, एक फिक्स नंबर डिफाइन करता है और वो हर अलग अलग मीडियम के लिए चेंज कर दी जाती है। नेक्स्ट टर्म आपने पढ़ा होगा क्लास नाइन्थ में एक टर्म विच इज रिलेटिव डेंसिटी, या इसी चीज को एक और टर्म स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं, ठीक, या आपको याद है क्या था? नो सर, रिलेटिव डेंसिटी याद। हमने वहां पढ़ा था ग्रेविटेशन चैप्टर में आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वहां डिफाइन किया था डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर
इस रेशियो को रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म होता है मेरे पास यहाँ पे एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, एंड बहुत सारे टर्म्स अलग अलग आप लिख सकते हैं। तो मेरी आप इनके एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, ये आपको पूछे जाते हैं, ठीक। तो हमने डायमेंशन के बेस पे क्वांटिटीज डिफाइन कर दी दो तरह के, डायमेंशन लेस एंड डायमेंशनल, एंड वो फर्दर दो तरह के, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक। यहाँ तक कोई मुश्किल? नो सर। ओके, अब इसके बाद हम कुछ स्पेशल डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जिनको यूज करने के लिए आगे पूछे जाते हैं, ठीक। कौन कौन से? तो मैं आपको कुछ स्पेशल एग्जाम्पल बताता हूँ और उसे कैलकुलेट करने का तरीका सिखाता हूँ। Some important dimensional formula. ये dimensions. सबसे पहली चीज gravitational constant. Gravitational constant को calculate करने के लिए कोई formula आपने पढ़ा होगा? Law of gravitation याद है आपको? Universal law of gravitation. Law of gravitation. Force between any two point masses is equals to g times mass m1 m2 by separation r square. तो मैं यहाँ से use करके capital G की value find out कर सकता हूँ. Capital G is equals to force times r square upon m1 m2. अब देखिए इसकी value कैसे calculate करते हैं. Force का dimension मैंने पीछे लिख रखा था, which is mass times length into t to the power negative 2. R यहाँ पे distance है, distance का मतलब होता है length का measurement, divide by masses m square. So ये पूरी value कितनी हो जाएगी? M to the power negative 1, L to the power cube and t to the power minus 2. तो ये मेरे पास dimensional formula किस चीज के लिए? Universal gravitational constant. ठीक है? Yes, sir. Next, अगर आपको Planck's constant की value find out करनी है, तो हमारे पास formula आता था, energy is equals to h times nu. यहाँ पे e define करता है energy को और ये nu define करता है frequency को. तो हमें x h की value calculate करनी है, which h is Planck's constant. H is equals to, मैं क्या लिख सकता हूँ? Energy upon frequency. आपको एनर्जी का डायमेंशन पता है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन पता है, उसके बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? ओके। नेक्स्ट होता है एक टर्म, अगर कोई भी लिक्विड उसके अंदर कुछ ऑपोजिशन एक्ट करता हो तो उसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक। इसको डिनोट करते हैं हम लोग ईटा से। तब इसके लिए फॉर्मूला होता है F is equals to 6 pi eta velocity times radius. यहाँ पे फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, यहाँ पे V velocity of the object and R का मतलब होता है रेडियस। तो यहाँ पे अगर आपको eta की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो eta is equals to फोर्स divide by 6 pi velocity into radius. फोर्स का डायमेंशन आपको पता है 6 pi, 6 रियल नंबर, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होगा। पाई एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट वैल्यू, उसकी भी कोई यूनिट नहीं, उसका भी कोई डायमेंशन नहीं, बट ये वेलोसिटी, रेडियस, इनकी वैल्यूज को पुट करिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? ओके सर। ओके, यहां तक आपको मैकेनिक्स और मैकेनिक्स के बेस पे इतनी सारी चीजें हम डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक। कुछ डायमेंशन हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के बेस पे। देखिए, एक टर्म होता है, उसको बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी। जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो वहां पे इस टर्म को डिफाइन करेंगे, परमिटिविटी, ठीक। इसको डिनोट करते हैं एपिसिलन नॉट से, ठीक। मतलब किसी भी मीडियम के वो
चार्ज के इलेक्ट्रिकल इंट्रैक्शन को अलाउ कितना कर सकती है उसको डिफाइन करता हो, उसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। तब इसके लिए फॉर्मूला होता है वहां पे फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट चार्ज उसका स्क्वायर बाय रेडियस उसका स्क्वायर। अब हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए आपको फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए, पता है हमें, रेडियस डिस्टेंस उसका डायमेंशन पता है, चार्ज का डायमेंशन तो हमें पता नहीं। तो चार्ज का डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए अपने क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था करंट के लिए, कुछ याद है? यस सर। बोलिए। वोल्ट इनटू रेजिस्टेंस। अच्छा ओम्स लॉ। नो एक मिनट, करंट निकालने के लिए इन टर्म्स ऑफ चार्ज, इन टर्म्स ऑफ चार्ज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, मींस चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, ओके। सो चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम, करंट की वैल्यू एम्पियर में एंड टाइम की वैल्यू टी, इसीलिए चार्ज का डायमेंशन ए इनटू टी। अब मैं इसको यूज करके यहां पे फॉर्मूला लिखूं तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4π एफ टाइम्स आर स्क्वायर। सारी वैल्यू पता है मुझे, पुट कर सकता हूँ? यस सर। चार्ज, चार्ज के लिए क्या लिखेंगे, एम्पियर स्क्वायर इनटू टाइम स्क्वायर, 4π उसकी कोई यूनिट होगी? पाई डायमेंशनल कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ना, छोड़ दीजिए उसको, कोई यूनिट नहीं, हटा दीजिए। फोर्स के लिए mLt-2 एंड डिस्टेंस मतलब l स्क्वायर, तब इन सारी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं तो हो जाएगा m-1 l-3 t^4 एंड a^2। ठीक, कई बार आपको डायरेक्टली एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन डायरेक्टली कैलकुलेट करने के लिए पूछ देते हैं। ठीक, तो हम इस फॉर्मूले से यूज करते हैं, ये जो फॉर्मूला है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हम कूलम्स लॉ बोलते हैं। जिस तरह हम लोग ग्रेविटेशन में डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशन लॉ न्यूटन का, उसी तरह चार्ज के लिए कूलम्स लॉ डिफाइन करते हैं। इसी की तरह एक अनदर चीज, जैसे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी डिफाइन किया, परमिटिविटी मतलब इलेक्ट्रिकल इंट्रैक्शन को अलाउ कितना मीडियम करती है उसको बताता हो, उसी तरह एक अनदर टर्म उसको हम बोलते हैं परमीएबिलिटी, मतलब मैग्नेटिक इंट्रैक्शन कितना अलाउड हो उसको बोलते हैं म्यू नॉट। ठीक, तब इस एप्सिलॉन नॉट और इस म्यू नॉट दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, सी इज इक्वल्स टू 1/√μ0ε0। यहाँ पे c कहलाता है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक, एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। तो आपको स्पीड की वैल्यू तो पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, तो मैं यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। Yes, sir. So we can write it as mu naught is equals to 1/c² times epsilon naught. C के लिए क्या डायमेंशन यूज करेंगे आप? C स्पीड ऑफ लाइट, which is meter per second, l square t^-2, and epsilon naught की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट कर रखा है m-1 l-3 t^4 and a^2। ठीक है, ओके। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिफाइन कर दी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक बिहेवियर के बेस पे। ठीक है, मैं आपको एक और फॉर्मूला सिखाता हूँ, ठीक, देन हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं, जैसे एक टर्म होता था रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कहते किसमें? करंट के फ्लो में मतलब क्रिएट करने वाला, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने को रेजिस्टेंस बोलते हैं। हाँ, ऑपोजिशन कॉज द मोशन ऑफ और फ्लो ऑफ करंट और चार्ज, तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस।
तो मेरे पास रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए या तो आप ओम्स लॉ अप्लाई करिए, बट फिर आपको वोल्टेज की वैल्यू जरूरत पड़ेगी। यस। उसी तरह एक अनदर टर्म होता है रेजिस्टेंस की तरह, एक अनदर टर्म उसको डिफाइन करते हैं कैपेसिटेंस, मतलब किसी डिवाइस उसकी प्रॉपर्टी कि चार्ज को कितना स्टोर कर सकता हो, उस स्टोरिंग टेंडेंसी ऑफ चार्ज को कैपेसिटेंस बोलते हैं। एंड तीसरा होता है एक टर्म, उसको बोलते हैं हम लोग इंडक्टेंस। इंडक्टेंस डिनोट करते हैं हम लोग एल से, मतलब वेरिएबल करंट अगर फ्लो करती हो किसी कॉइल के थ्रू तो वो उसका ऑपोजिशन करता हो तो उस टेंडेंसी को हम इंडक्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस चार्ज के फ्लो का ऑपोजिशन करना, कैपेसिटेंस चार्ज को स्टोर करने की टेंडेंसी, एंड इंडक्टेंस वेरिएबल करंट के फ्लो करने का ऑपोजिशन। तो तीनों लगभग सेम तरह की क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। अब इन तीनों के बीच में आपस में रिलेशन, ठीक, और इन तीनों कैलकुलेट करने का तरीका, तो देखिए मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ। एनर्जी ई इज इक्वल्स टू, आपने टर्म पढ़ा होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग 10th क्लास में, फॉर्मूला याद है, हीट इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल टू आईस वी आई स्क्वायर वी टी, कुछ ऐसा आई स्क्वायर आर इनटू टी, आर इनटू। तो मैं यहां से रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं, यहां पे ई हीट एनर्जी या कोई भी एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक। यही सेम एनर्जी इज इक्वल्स टू, अगर मैं कैपेसिटेंस के टर्म में लिखूं तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, तो यहां से कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। और यही टर्म एनर्जी अगर मैं इंडक्टेंस के टर्म में लिखूं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर। तो इनको यूज करके मैं डायरेक्टली यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकता हूं। जैसे अगर आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो हम यहां से लिख सकते हैं एनर्जी डिवाइड बाय आई स्क्वायर इनटू टाइम। आपको एनर्जी का डायमेंशन पता है, करंट का डायमेंशन पता है, टाइम का डायमेंशन पता है, ठीक है। उसी तरह यहां से कैपेसिटेंस का डायमेंशन कैलकुलेट करना है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स ऑफ एनर्जी, ठीक। चार्ज का डायमेंशन पता है, एनर्जी का डायमेंशन पता है, टू डायमेंशन क्वांटिटी, तो यहाँ से हम सी की डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह अगर आपको एल कैलकुलेट करना हो तो एल इज इक्वल टू एनर्जी टाइम्स आई स्क्वायर, ठीक। आपको एनर्जी का डायमेंशन पता है, करंट का डायमेंशन पता है, तो इसके बेस पे एल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। Yes. ठीक है? Yes. अगर आपको ये तीनों डायमेंशंस पता है, ठीक है, तो इन तीनों डायमेंशंस को यूज करके हम अलग अलग रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। देखिए कैसे कैसे, जैसे मैं पहला रिलेशन बोलता हूँ, ठीक, R by L, दूसरा रिलेशन होता है 1 by R times C, तीसरा रिलेशन होता है 1 by under root L into C, एंड चौथा रिलेशन होता है 1 by R root under L by C, ठीक। आपको कंपटीशन में डायरेक्टली ये क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा which is odd one out in this combination, ठीक। तो अगर आपको ये डायमेंशंस पता है तो इन डायमेंशंस को यूज करके इनकी वैल्यूज पुट करिए, इन चारों में एक रिलेशन देखिए क्या आता है, ठीक। पहला वाला, इसका डायमेंशन कैलकुलेट कीजिएगा, इसकी वैल्यू टी टू द पावर माइनस वन, मतलब टाइम इनवर्स आएगा। सेकेंड वाले का टर्म वो भी टाइम इनवर्स, थर्ड वाले का टर्म वो भी टाइम इनवर्स, बट ये जो फोर्थ वाली क्वांटिटी है इसकी यूनिट नहीं होती, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। इन चारों में जो फोर्थ वन है वो ऑड वन आउट, क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं है, बाकी इन तीनों की यूनिट सेम सेम टी इनवर्स है, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा, अनचेक कीजिएगा कि मैंने सही कहा या गलत कहा, ठीक है। ओके सर। ओके, तो हमने डायमेंशन कैलकुलेट करना सीख लिया, अलग अलग एग्जाम्पल मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। एंड इसी में एक और चीज मुझे कैलकुलेट करके दिखाएगा कि म्यू नॉट अपॉन एपेसारन नॉट, इसको रूट अंडर अगर करते हैं तो वो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस इन तीनों में किसको रिजेंबल करता है। ये 2019 में जेई का क्वेश्चन था, ठीक है, तो आप इसको भी सॉल्व कीजिएगा। ओके सर। ठीक है, यहाँ पर कोई मुश्किल?
नो सर। आपने पीछे स्क्रीनशॉट लिया है या नहीं लिया है? लिखा है, वो सब स्क्रीनशॉट नहीं, लिख लिया है। इतना फास्ट? हाँ। ओके, देन नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं। तो हमने डायमेंशंस कैलकुलेट करना सीख लिया अलग अलग टर्म के लिए, ठीक। अब हम क्या करते हैं, डायमेंशंस के एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है, मतलब इनको अप्लाई कैसे कैसे करते हैं अलग अलग टर्म के लिए। तो हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले एक टर्म डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसमें यहाँ पे टर्म आया होमो, ठीक। इसका क्या मतलब है? होमो का मतलब होता है सेम सीम, ठीक। जैसे आपने क्लास टेंथ में एक टर्म पढ़ा होगा होमोलोगस सीरीज, ठीक, या होमोलोगस ऑर्गन, ठीक, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। यस सर। तो होमो का मतलब होता है सेम और सिमिलर, ठीक। तो यहाँ पे इसको यूज और इसका क्या मतलब, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से मैं उसको डिफाइन करता हूँ। जब आपने सिक्स सेवेंथ में अलजेब्रा शुरू किया था तो वहां पे हमने टर्म पढ़ा था लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। जैसे मैं लू एक्स, एक्स सेकेंड टर्म लू एक्स स्क्वायर, एक थर्ड टर्म लू 3x एंड एक नेक्स्ट टर्म लू वाई क्यूब, ठीक। अगर आपको बोले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो हम सिंप्लीफाई इसको इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे x पे पावर 1 है और यहाँ पे x पे पावर 1 है, ये दोनों आपस में एड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं और कोई भी टर्म एड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। तो वहां पे हमने ये पढ़ा था कि ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, अनलाइक टर्म्स को एड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। Yes, सेम बिहेवियर अगर मैं फिजिक्स में यूज करूं इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन के बेस पे, तो कहता है कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी ए और बी, अगर मैं उनको ऐड कर रहा हूं या मैं उनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं या मैं उनको इक्वेट कर रहा हूं, ये चीज पॉसिबल तब होगी जब उनके डायमेंशन आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है टू क्वांटिटीज कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड ओनली इफ they have same dimension formula, ठीक। तब इस expression या इस term को हम क्या बोलते हैं, principle of homogeneity बोलते हैं। ये कहता है two quantities can be added, subtracted or equated only if they have same dimension okay? Yes sir. Okay, अब इसको यूज करके मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। जैसे एक बहुत फेमस क्वेश्चन, ठीक है, पी माइनस ए बाई बी स्क्वायर v minus b is equals to some constant k, ठीक। ये कोई एक जनरल इक्वेशन है, ठीक, आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा इसको, वैन डर वाल इक्वेशन। इसमें आपको बोलेगा कि मेरे पास इस एक्सप्रेशन में p डिफाइन कर रहा है प्रेशर को, v डिफाइन कर रहा है वॉल्यूम को, ठीक। तो मुझे a b और k इनके डायमेंशन कैलकुलेट करने, ठीक, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी एंड के, तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया? यस सर। देखिए इसको डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए यहां पे देखिए दो पॉइंट की आपस में सब्ट्रैक्ट है, ठीक। मैंने यहाँ पे लिखा है दो पॉइंट थी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ दे हैव सेम डायमेंशन। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि प्रेशर एंड ए अपॉन वॉल्यूम स्क्वायर दोनों का डायमेंशन आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो ए इज इक्वल्स टू प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम का स्क्वायर, लिख सकते हैं। प्रेशर का डायमेंशन हमें पता है
ml minus 1 t minus 2 and volume is l cube uska square is l to the power 6 so ye puri value ho jayegi ml to the power 5 and t to the power minus 2 theek hai b ka dimension kya hoga बता सकते हैं सर किसका बी बी का डायमेंशन यहां में देखिए दोनों टर्म आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं मैंने कहा था हाँ तो दो क्वांटिटी आपस में सब्ट्रैक्ट और ऐड तब हो सकती है जब इनके डायमेंशंस इक्वल होंगे मतलब बी एंड वॉल्यूम शुड बी इक्वल एंड वॉल्यूम एक्चुअली में एल क्यूब इसलिए इसका डायमेंशन एल क्यूब हो जाएगा yes. के का डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे ठीक इसको यूज करने के लिए मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ क्या तक कोई मुश्किल नो सर आगे बढ़े यस सर जैसे मैं आपको एक टर्म सिखाता हूँ जैसे आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर अगर मैं इसको ऐड करूँ तो कितना बोल सकते हैं थ्री एक्स स्क्वायर 3x square. उसी तरह अगर मैं लिखूं यहाँ पे x cube minus x cube, तो इसको कितना बोल सकते हैं? Zero. Zero. मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ देखिए जब एड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बेसिकली उसके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो चेंज होते हैं यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है तो 1 प्लस 2 3 हो गया बट इसके साथ में जो वेरिएबल टर्म है वो एज इट इज सेम सेम रहता है तो यहाँ पे भी वेरिएबल वन कोएफिशिएंट वन यहाँ पे भी कोएफिशिएंट वन तो वन माइनस वन जीरो हो गया बट उसके साथ में वेरिएबल मेरे पास एक्स क्यूब एंड चूंकि किसी भी नंबर को अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई करता हूँ तब उसकी वैल्यू कितनी होती है जीरो होती है तो इसके बेस पे मैंने डायरेक्टली जीरो लिख दिया बट इस सेम टर्म को अगर मैं डायमेंशन के टर्म में लिखूँ जैसे आपको अगर मैं बोलूँ एल प्लस एल तो आप इसको आप क्या बोल सकते हैं टू एल टू एल बट टू यहाँ पे क्या है नंबर एंड नंबर की कोई यूनिट नहीं होती तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ एल बोल सकता हूँ सिमिलरली एल माइनस एल इज इक्वल्स टू जीरो टाइम्स ऑफ एल एंड जीरो एक नंबर एंड नंबर की कोई यूनिट नहीं होती इसलिए मैं क्या इसीलिए आप डिफाइन कर सकते हैं एड करने पर और सब्ट्रैक्ट करने पर उसके डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता वो डायमेंशन सेम सेम रहता है ठीक है yes, तब देखिए यहाँ पे आपका इक्वेशन था p माइनस a अपॉन b स्क्वायर एक साथ ब्रैकेट में सेकंड टर्म था आपका वॉल्यूम माइनस b एंड ये पूरा टर्म किसके साथ इक्वेटेड है k अब देखिए सबसे फर्स्ट टर्म आपके पास यहाँ पे दो टर्म है दोनों टर्म सेम प्रेशर को डिफाइन कर रहा है तो प्रेशर माइनस दिस क्वांटिटी वो दोनों क्वांटिटी आपस में क्या होगा प्रेशर को रिजेंबल करेगा यस सर तो इसके जगह पे मैं P लिख सकता हूँ सिमिलरली यहाँ पे वॉल्यूम है और यहाँ पे B है तो दोनों वॉल्यूम क्वांटिटी को रिजेंबल करता होगा तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ और इस डायरेक्शन K सो मैं लिख सकता हूँ P into V is equals to कितना K प्रेशर के लिए okay. ML minus 1 T minus 2 and वॉल्यूम के लिए L cube सो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी ML square t minus 2 is equals to कितना k आया समझ yes sir तो जनरली हमें add subtract निकालना आता है but equation में directly अगर आपको दे दे constant k तो उसका dimension generally लोग बोल देते हैं unitless quantity ये constant है but मैंने शुरू में आपको पढ़ाया था dimension constant भी हो सकता है dimension less constant भी हो सकता है तो जरूरी नहीं है कि वो quantity जो constant right side में है उसकी कोई यूनिट ना हो इसीलिए पहले एक्सप्रेशन से चेक कर लीजिए एंड कैलकुलेट कर लीजिए ओके कोई मुश्किल नो सर तो इसी तरह से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज कर सकते हैं एंड देन इसके बेस पर डिफाइन कर सकते हैं ठीक है मैं आपको इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन और समझाता हूँ ठीक है आगे मूव ऑन करें यस सर एक टर्म जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करते थे साइन एक्स
तो यहाँ पे x किस टर्म को डिफाइन करता है? साइन x, जैसे मैंने लिखा इसको हम पढ़ते हैं इस तरह साइन ऑफ x, तो x एक्चुअली में क्या डिफाइन करता है? वेरिएबल, एंगल को डिफाइन करता था, एंगल साइन 45 सारी चीजें। और एंगल की कोई यूनिट होती थी? नो सर, नो सर। उसी तरह तो मैं साइन के साथ जो भी एंगल होगा या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ कोई भी एंगल होगा उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, मतलब डायमेंशनलेस क्वांटिटी की तरह बिहेव कर रहा होगा। उसी तरह नेक्स्ट यूज करते हैं लॉग एक्स। लॉग एक्चुअली में एक एक्सप्रेशन, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना साइन कॉस टैन, ठीक उसी तरह लॉग भी एक फंक्शन है जो किसी नंबर के लिए कैलकुलेट करते हैं, एक्सपोनेंशियल का रिवर्स फॉर्म। ये मैं आपको आगे जब मैथमेटिकल टूल पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा। इसके साथ भी जो टर्म एक्स होता है उसकी भी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। एंड थर्ड, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर रेज पावर में टर्म लिखा हो तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती। तो इन तीन जगह जहां पर एक्स लिखा है वो एक्स एक्चुअली में किस बात को डिफाइन करेगा? डायमेंशनलेस, ठीक है। तब इसके बेस पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ठीक। तो जेई में एक क्वेश्चन पूछा, ठीक, उन्होंने कहा पी प्रेशर इज इक्वल्स टू सम अल्फा बाय बीटा एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टाइम्स पी। तो ये जो पूरा टर्म है वो एक्चुअली में पावर के टर्म में लिखा गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक। अगर यहां पे पी प्रेशर है, ठीक, एंड के भी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था इसको डिफाइन करता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को, ठीक, एंड टी टेम्परेचर को डिफाइन करता है। यहां तक कोई मुश्किल? नो सर। ओके, आपको नीट देना है या जेई देना है? नीट। ओके, कुछ कुछ क्वेश्चन जो जेई के होते हैं वो नीट में रिपीट करते हैं, जो ज्यादा मैथमेटिकल टर्म नहीं होते हैं वो सारे। तो मैं आपको जेई के कुछ कुछ प्रॉब्लम भी करा दूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके, जैसे ये वाला टर्म, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे कैसे किया जाए, तो मैंने आपको ऊपर में बताया एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो रेज पावर में टर्म होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अल्फा एक्स डिवाइडेड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टी इज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मींस एम टू द पावर जीरो, एल टू द पावर जीरो एंड टी टू द पावर जीरो। और हमने पढ़ा है किसी भी नंबर टू द पावर जीरो उसकी वैल्यू कितनी होती है? सो आपको यहाँ पे क्या क्या पता है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, तो मुझे यहाँ से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। Yes, sir. तो अल्फा कैन बी रिटन एज kb टाइम्स t बाय x। kb हमने पीछे कैलकुलेट कर रखा था 1.38 into 10 raised to the power minus 23 joule per mole kg। हाँ, तो उसकी वैल्यू जब डायमेंशन के टर्म में लिखते हैं तो इसको लिखते हैं ml square t minus 2 and kelvin temperature to the power minus 1 and यहाँ पे टेम्परेचर है तो उसकी वैल्यू पुट करते हैं k डिवाइड बाय x व्हिच इज लेंथ। तो यहाँ पे k के कैंसिल आउट, लेंथ लेंथ कैंसिल आउट, तो ये पूरा टर्म किसको डिफाइन करेगा, ml t minus 2। तो हमने यहाँ से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। यस सर। अब मैं क्या करूं इस एक्सप्रेशन में, देखिए ये पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन चूंकि उसके रेज पावर से कोई यूनिट नहीं, इसलिए पूरा टर्म यूनिटलेस क्वांटिटी होगा। डायमेंशन, यस सर। तो अब मेरे पास बच क्या गया, प्रेशर इज इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा। प्रेशर का डायमेंशन आपको पता है, अल्फा का डायमेंशन पता है, बीटा की डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यस सर। सो बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बाय प्रेशर, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिए कितना होता है, बाय प्रेशर ml t minus 2 pressure hai ml minus 1 t minus 2
L upon L minus 1. Okay. L square. ठीक, तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी आपके पास L square. इस क्वेश्चन को आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि जो अल्फा एंड बीटा डिफाइन हुआ वो किस क्वांटिटी को रिजेंबल करता होगा, आप ये भी डिफाइन कीजिए. तो यहाँ पे देखिए जो डायमेंशन कैलकुलेटेड है वो डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन के इक्वल है, तो इसको मैं फोर्स बोल सकता हूँ. और ये जो डायमेंशन आया वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक, तो अल्फा इज रिजेंबलिंग फोर्स एंड बीटा इज रिजेंबलिंग एरिया. एरिया. ठीक, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके सर. ओके, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ. सपोज वाई इज इक्वल्स टू ए टाइम्स टैन बी इंटू एक्स प्लस सी टाइम्स साइन डी इंटू टी. ठीक, ये कुछ टर्म दे रखा है जहां पे एक्स वाई डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम है. तो आपसे क्वेश्चन पूछा फाइंड डायमेंशन ए बी सी एंड डी एंड यूजिंग दिस डिफाइन के ए टाइम्स डी किस क्वांटिटी को रिजेंबल करता होगा, दूसरा ए टाइम्स सी किस क्वांटिटी को रिजेंबल करता होगा. ठीक, एंड ए अपॉन सी किस क्वांटिटी को रिजेंबल करता होगा. पहले मुझे ए बी सी डी डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं? यस सर. कैलकुलेट करने की कोशिश करिएगा. सर इसमें प्रॉब्लम हो रही है. क्या मुझसे पूछिए? प्रॉब्लम हो रही है फॉर्मूला, इसमें प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी. अच्छा अच्छा, देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे अप्रोच करेंगे. जैसे से पहले यहाँ पे टर्म देखिए टैन, उसके साथ यहाँ पे डी एक्स है, उसी तरह यहाँ पे साइन एंड उसके साथ डी टी. डी टी मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के साथ जो भी टर्म होगा वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है और एंगल को यूनिट होती है. डाइमेंशनलेस. सो वी कैन राइट बी एक्स इज इक्वल्स टू वन. यस. तो यहाँ से एक्स का डाइमेंशन पता है आपको, बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हैं. बी की वैल्यू वन अपॉन एक्स. एक्स इज लेंथ, सो बी इक्वल्स टू एल माइनस वन. Similarly, अगर आप डी टी देखिए तो डी इंटू टी इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? वन. वन. तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वन अपॉन टी. और इसको डायमेंशन के टर्म में लिखेंगे टी टू द पावर माइनस वन. ठीक है, अब उसके बाद उन टर्म्स को हटा दीजिए. ठीक है, तब अब मेरे पास क्या बचा? वाई इज इक्वल टू, चूंकि पूरे टर्म जो टैन बी एक्स है वो नंबर को डिफाइन करता है, नंबर की यूनिट नहीं होती, और ये भी नंबर को डिफाइन करता है, नंबर को यूनिट नहीं होती. सो इसके अलावा बच क्या गया? y a plus c. a plus c हमने पीछे पढ़ा था कोई क्वांटिटी एड सब्ट्रैक्ट और इक्वेट कब हो सकती है, जब डायमेंशन इक्वल होंगे. सो y इज इक्वल टू a इज इक्वल टू c. एंड y किस बात को डिफाइन कर रहा है? y displacement को. displacement is length. ठीक है? yes. तो a b c d सबके डायमेंशन कैलकुलेट हो गए? l. yes sir. okay.
अब इनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो देखिए ए उसका डायमेंशन इज एल, डी डी का डायमेंशन कितना, टी माइनस वन, टी माइनस वन, ऐसी कोई क्वांटिटी हमने पीछे पढ़ी थी, एल टी माइनस वन, नो हाँ स्पीड और वेलोसिटी, हाँ तो इसकी वैल्यू स्पीड या वेलोसिटी बोल सकते हैं. नेक्स्ट देखिए ए एंड सी, तो ए इज एल एंड सी इज आल्सो एल, तो एल और एल, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर किसको डिफाइन करेगा, एरिया को, ठीक है. यहाँ पे ए अपॉन एल, ये पूरे टर्म कितना हो जाएगा, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस के मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको बताए थे, ठीक, उसमें से कोई भी एक एग्जांपल देख सकते हैं. यस ओके, तो कुछ समझ आया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सॉल्व करना कैसे कैसे करते हैं. यस सर. ओके, अब इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बाद हर डायमेंशन के एप्लीकेशन बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ओबे करता है. तो डायमेंशन के एप्लीकेशन तीन तरह से होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, आगे मूव ऑन करें. यस सर. ओके, तो डायमेंशन के तीन एप्लीकेशन, सबसे फर्स्ट इज checking the correctness of equation. या उसी चीज को बोलते हैं consistency of equation. मतलब कोई equation सही है या गलत है उसको define कैसे किया जाए on the basis of dimension, वो हम calculate करते हैं. Okay sir. जिसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ एनसीईआरटी का, उसमें कहता है कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी अगर इक्वल है, ठीक, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था एम जी एच, तो शो कीजिए कि ये इक्वेशन सही है या गलत है. तो हम क्या करते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन निकालते हैं, हाफ नंबर उसी कोई यूनिट नहीं, एम मास, वेलोसिटी दैट इज एल टी माइनस वन उसका स्क्वायर, सो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक. उसी तरह राइट साइड मास एम जी ग्रेविटी विच इज एल टी माइनस टू, एच विच इज हाइट, हाइट इज लेंथ, सो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर t माइनस 2. अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या दिख रहा है आपको, इक्वल. तो मैं बोल सकता हूँ कि जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है. बट इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ठीक, जैसे पोटेंशियल एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूं 3 by 2 times of mv square, या मैं इसी चीज को लिखूं 5 by 7 mr mv square, तो वो सारे एक्सप्रेशन आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक. तो मैं बोल सकता हूं कि जो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, उसके कोएफिशिएंट्स चेंज करने की वजह से इक्वेशन चेंज हो जाएगा, ठीक, हो सकता है. तब यहां से हम कंक्लूड करते हैं कि अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी करेक्ट, ठीक, क्योंकि उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वो हर अलग अलग जगह अलग अलग हो सकती है, एंड उसकी वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, तो उसको चेंज करने पे डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपका इक्वेशन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है. यस. सो हम यहाँ से एक पॉइंट लिखते हैं, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी करेक्ट, बट अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है तो हमेशा गलत होगा, ठीक. यस सर. डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज रॉन्ग. ठीक है. यस सर. ओके,
अब इसके बेस पे आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, स्कूल में आपसे एक सवाल पूछता है कि हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन क्लास 9 में, v is equals to u plus 18, s is equals to ut plus half at square and v square is equals to u square yes. plus 2s. Yes. तो आपको ये बोलेगा कि v square is equals to u square plus 2 times of a into s. शो कीजिए डायमेंशनली कि इक्वेशन क्या है, सही है. शो दिस इक्वेशन एज डायमेंशनली करेक्ट. तो इसके लिए क्या कीजिएगा, सारे डायमेंशन को लिखना शुरू कीजिए. तो यहाँ पे l v स्क्वायर, यहाँ पे u स्क्वायर और यहाँ पे 2s. अब इन सारे डायमेंशन को लिखिए. v velocity which is lt minus lt minus 1, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा l स्क्वायर t minus 2. उसी तरह सेकंड टर्म वो भी हो जाएगा l स्क्वायर t minus 2. थर्ड टर्म, टू नंबर कोई यूनिट नहीं, एक्सेलरेशन व्हिच इज एल टी माइनस टू इनटू डिस्प्लेसमेंट एल, सो इट बिकम्स एल स्क्वायर टी माइनस टू. ठीक है. यस. अब देखिए यहाँ पे दो क्वांटिटी आपस में ऐड हो रही है, तो इन दोनों को मैं ऐड कर रही हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों डायमेंशन आपस में क्या होगा, इक्वल होगा. यस सर. तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे इक्वेशन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है. ठीक है. यस. एक क्वेश्चन होता है, अब 11th क्लास में अगर आप इक्वेशन पढ़िएगा तो उसमें एक इक्वेशन होता है एस एन एथ इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू एंड 2n माइनस 1. इसका मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन nth सेकेंड, मतलब किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए इक्वेशन होता है. जब मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ेगा तो वहां पे इक्वेशन डिफाइन किया जाएगा. ठीक है. तो इस इक्वेशन के लिए आपसे क्वेश्चन क्या आता है कि इसका डायमेंशन क्या होगा, ठीक, वो डिफाइन कीजिए. यहाँ पे एन का डायमेंशन क्या होगा वो डिफाइन कीजिए. ठीक है. तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, आप सॉल्व कीजिएगा. ओके सर. फाइंड डायमेंशन ऑफ एस एन एफ एंड एन. यस सर. नेक्स्ट, तो हमने पहला टर्म डिफाइन कर दिया, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन कैलकुलेट करना. सेकंड कैलकुलेशन होती है, ठीक, कन्वर्जन. ठीक. तो सेकंड एप्लीकेशन इज conversion of unit. Conversion मतलब of? unit. मतलब किसी एक फॉर्म से किसी दूसरे फॉर्म ऑफ यूनिट में कैसे कैसे कन्वर्जन करते हैं, ठीक, उसको कैसे सॉल्व किया जाए. तो मैं आपको एक जनरल एग्जाम्पल बताता हूँ. सपोज आपके पास लेंथ है 5 meter, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें कितना लिख सकते हैं. 5 meter 200 कर देंगे. So, 500 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ. Yes, sir. अगर मुझे इसको किलोमीटर में लिखना होता मैं क्या करता, 1000 से डिवाइड कर देता. Yes, sir. अब देखिए इस रिलेशन में क्या क्या और कैसे कैसे हुआ. यहाँ से मीटर से सेंटीमीटर में गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज कर गई. सिमिलरली मीटर से अगर मैं किलोमीटर में गया तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज कर गई. तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर यूनिट को डिक्रीज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाती है, अगर मैं यूनिट को इंक्रीज कराता हूं तो न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज कर जाती है. मतलब दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशनशिप कर रहा है, कर रहा है ना. यस सर. ठीक. तो मैं बोल सकता हूं कि न्यूमेरिकल वैल्यू एंड उसके स्पेसिफाइड यूनिट ये दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशनशिप शो करते हैं. तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो n into u वो पूरा टर्म किस बात को डिफाइन करेगा, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू को डिफाइन करेगा. तो इसी पर्टिकुलर टर्म को हम डिनोट करते हैं x से एंड इसको हम बोलते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी. ठीक. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे हमने फर्स्ट टर्म लिखा था
मेजरेबल क्वांटिटी, तो मेजरेबल क्वांटिटी होगी तो उसके पास दो चीजें होंगी, एक टर्म होगा n, n का मतलब होगा उसके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, और u उसके पास कोई भी स्पेसिफाइड यूनिट हो सकती है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो इन दोनों कंबाइन करके मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। जैसे मैं लिखूं कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 10 मीटर है, तो 10 एक्चुअली में नंबर और मीटर की यूनिट, तो इन दोनों को कंबाइन ही मैग्नीट्यूड कहलाता है। नंबर एंड उसके साथ उसकी स्पेसिफाइड यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ओके ठीक। अब देखिए इस पर्टिकुलर टर्म में मैं n की वैल्यू को अगर मैं चेंज करूंगा तो u की वैल्यू भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। यस सर। जैसे मैंने यहाँ पे रिलेशन लिखा था उसके हिसाब से, तो मैं इसी एक्सप्रेशन को x को ऐसे भी लिख सकता हूँ, n1 u1 किसी फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में, n2 u2 किसी सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में, ये प्रोडक्ट हर सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल, यस सर। n यहाँ पे डिफाइन कर रहा है नंबर और u यहाँ पे डिफाइन कर रहा है यूनिट। हमने पीछे डायमेंशन जो डिफाइन किया वो किस बात के लिए डिफाइन किया था, यूनिट को डिफाइन करने के लिए। एक मैंने डायमेंशन के पहले डेफिनेशन बताया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल जो उसके ऐसा यूनिट को रिप्रेजेंट करता हो। तो यूनिट बेसिकली इन टर्म्स ऑफ हम किसके टर्म में लिख सकते हैं, डायमेंशन के टर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यस सर। तो मुझे डायमेंशन पावर नहीं पता तो मैं रैंडमली पावर ए बी सी लिख ले सकता हूँ, ठीक है। अब इस टर्म को यहां पुट कर दीजिए, तो मैं यहां लिख सकता हूं n1 into u1 is m1 l1 and t1 to the power a b and c। सही यहां तक? यस सर। सिमिलरली सेकंड टर्म को अगर मैं लिखूंगा तो उसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू n2, यहां पे लिख सकता हूं m2 l2 l2 t2 to the power a b and c। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि यहाँ पे दोनों तरफ हमने पावर सेम सेम रखा, क्या पावर डिफरेंट भी हो सकता है या सेम ही रहेगा? सेम रहेगा। सेम क्यों रहेगा, डिफरेंट क्यों हो सकता है? क्योंकि दो अलग अलग यूनिट है, U1 या U2 है। तो आप बोलिएगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी two expression can be equated only if they have same dimension. Dimension, yes sir. इसलिए n का dimension m dimension साथ, l n के साथ, t t के साथ आपस में क्या होगा? Equivalent होगा। So यहाँ से मुझे conversion करना है, तो अगर मुझे n2 की value calculate करनी है, तो n2 is equals to n1 mass by mass to the power a, length by length to the power b, and time over time to the power c। तो ये हमारे पास एक generalized formula हो गया, किसी भी form से एक form से दूसरे form में convert करने का एक formula हमने calculate कर लिया। Yes sir। ठीक। अब मैं इस formula को apply करना सिखाता हूँ, ठीक है? कैसे कैसे apply कर सकते हैं? यहाँ तक कोई मुश्किल? No sir। Note down कर लिया आपने? Yes sir। Okay। नेक्स्ट टर्म में पास, अब इस टर्म को अप्लाई करने के लिए हम एक क्वांटिटी पढ़ते हैं विच इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। एक्चुअली मैं अभी तक चार डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट हम जानते हैं। पहला होता है मेरे पास सीजीएस। सीजीएस मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये स्मॉलर यूनिट हुआ करती थी, ठीक। दूसरी होती है मेरे पास MKS, मीटर किलोग्राम किलोमीटर किलोमीटर मीटर। थर्ड वन इज FPS, फुट पाउंड सेकेंड। एंड फोर्थ व्हिच इज इंटरनेशनल एक्स ऐसा ही। अब ये सारे टर्म्स डिफाइन क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इन सब में आपस में डिफरेंसेस क्या हैं? क्योंकि इनिशियली जब फिजिक्स ओरिजिनेट हुआ तो फिजिक्स में सबसे फर्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स उसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स,
मैकेनिक्स में ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या मोशन में हो उसकी स्टडी करते हैं, तो इसमें सिर्फ तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक, इसीलिए उस जमाने में जो यूनिट बनती थी वो सिर्फ तीन क्वांटिटी को रिजेंबल करते थे। इसीलिए पहले सीजे सिस्टम या एमके सिस्टम, ये सिर्फ तीन क्वांटिटी को रिजेंबल किया। ठीक है, यस। अब इन क्वांटिटीज में जैसे अर्लियर जैसे एडवांसमेंट होना शुरू हुआ तो वो एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स को अलग अलग यूनिट में मेजर करते थे, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट, किलोवाट आवर, न्यूक्लियर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हीट एनर्जी कैलोरी एंड मैकेनिकल एनर्जी जूल। तो ये अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक, जैसे बोलूं 1 कैलोरी इसकी वैल्यू होती है 4.186 जूल। नेक्स्ट होता है मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी वैल्यू होती है 1.6×10⁻¹⁹ जूल। एंड इसी तरह होता है 1 किलोवाट आवर which is equals to 3.6×10⁶ जूल। तो ये अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, उस जमाने में मेजर किया जाता था। जैसे ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट आया तो इन्होंने ये कहा चूंकि वो एनर्जी के अलग अलग फॉर्म हैं और एनर्जी के पता नहीं कितने तरह के एग्जिस्टेंस हो सकते हैं, अब अगर मैं हर फॉर्म को अलग अलग यूनिट असाइन करूं तो उनको याद रखना इज इम्पॉसिबल, इसीलिए एक जनरलाइज्ड यूनिट डिफाइन किया गया विच इज एसआई यूनिट जूल। इसलिए हर एनर्जी को हम जूल में मेजर करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक फुट, फुट एक्चुअली में लेंथ का मेजरमेंट होता है, तो 1 फुट इज इक्वल टू पता है कितना होता है? नो सर, 12 इंचेस। जैसे हम लोग हाइट को मेजर करते हैं, ठीक, इन टर्म्स ऑफ फुट, 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 8 इंच एंड सो ऑन, एंड 1 इंच इज इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर इन टर्म्स ऑफ लेंथ। ठीक, उसी तरह अगर मैं पाउंड कैलकुलेट करूँ तो 1 पाउंड इज इक्वल टू होता है 0.4536 kg। ठीक, kg में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर मुझे कन्वर्जन करना हो एक सिस्टम ऑफ यूनिट से किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी एंड जिसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक, तो ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट कहता है एक आसान वे ताकि मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स इजिली कन्वर्ट किए जा सकते हो, तब उसके लिए एक टर्म डिफाइन किया गया विच इज कॉल्ड मेट्रिक सिस्टम। मतलब मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स आर डिफर इन पावर ऑफ 10 ओनली, जैसे 10⁻⁰, 10⁻⁻¹, 2, 3। ठीक, एंड सो ऑन, 10⁻+1, 10⁻² 10⁻³, 10⁻⁶ एंड सो ऑन। तब इस टर्म के लिए जैसे यहाँ पे 10⁻⁰ हम बेस यूनिट डिफाइन करते हैं, जैसे अगर आपको लेंथ में मेजर करना हो तो इसको हम मीटर लेते हैं, मास के टर्म में लेना हो तो ग्राम लेते हैं, टाइम के टर्म में लेना हो तो सेकंड्स लेते हैं, करंट के टर्म में लेना हो तो एम्पियर लेते हैं एंड सो ऑन। तो ये बेस क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। एंड इसके अलावा जैसे मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स जाते हैं ऊपर या नीचे तो उसको सफिक्स या प्रीफिक्स चेंज होता है, तो 10⁻⁻⁺ इसको हम बोलते हैं डेसी, 10⁻⁻², इसको बोलते हैं सेंटी, -3 इज मिली, 10⁻⁻⁶ इज माइक्रो एंड 10⁻⁻⁹ इज नैनो। तो आपको यहाँ तक याद होना चाहिए। उसी तरह 10⁻+1 इज बेका, 10⁻²  इज हेक्टो, 10⁻³ इज किलो, 10⁻⁶ इज मेगा, गीगा एंड सो ऑन। तो ये मेट्रिक सिस्टम डिफाइन करता है कि मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स सिर्फ पावर ऑफ 10 के बेस पे क्या हो, चेंज होता है। यस सर, यहां पे बात समझना भी। यस, इस तरह से 1976 में इंटरनेशनली ये एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट को एक्सेप्ट किया गया क्योंकि बाकी अदर यूनिट्स में कुछ ना कुछ डिमेरिट्स थे। ठीक है, यस सर, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ कन्वर्जन कैसे कैसे किसी यूनिट का करते हैं। ठीक, यूजिंग दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया आपने? यस सर।
ओके अब देखिए जैसे मुझे एक क्वेश्चन करना है कन्वर्ट 5 जूल एनर्जी इनटू सीजीएस यूनिट ठीक ये आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो पहले आपको जो गिवन क्वांटिटी है पहले हम उसको लिखते हैं गिवन क्वांटिटी इज एनर्जी व्हिच इज 5 जूल तो ये जो 5 है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है एंड जूल उसके यूनिट को डिफाइन कर रहा है सो न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट इज 5 एंड जूल जो कि एनर्जी उसका डायमेंशन तो उसको अगर मैं डायमेंशन के टर्म में लिखूंगा तो उसको लिख सकता हूँ एम एल टी माइनस टू लिख सकते हैं यस सर एम के पावर को ए बोलते थे एल के पावर को बी बोलते थे एंड टी के पावर को सी बोलते थे तो इस तरह ए बी सी आप पावर निकाल लीजिए अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दीजिए तो मेरे पास फॉर्मूला था एन टू इज इक्वल्स टू एन वन एम वन एल वन टी वन जिसमें कन्वर्ट करना है ठीक उसमें एम टू एल टू एल टू टी टू टू द पावर ए बी एंड सी तो मुझे न्यूमरेटर को कन्वर्ट करना है डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर जिस यूनिट में हो उस टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक अब उनके वैल्यूज को पुट कर दीजिए फर्स्ट एन वन एन वन की वैल्यू कितनी रखी आपको 5 एन वन की 5 वन विच इज मास मास ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट में केजी में लेते हैं ठीक सेकेंड इज लेंथ मीटर में लेते हैं एंड थर्ड इज टाइम सेकेंड्स में लेते हैं जिसमें कन्वर्ट करना है उसकी यूनिट है ग्राम सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर एंड टाइम सेकंड्स ठीक यस सर टू द पावर 1 2 माइनस 2 अब यहां पे केजी में है यहां पे ग्राम में है तो पहले कन्वर्ट कर लीजिए 1000 ग्राम सो 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम टू द पावर 1 100 सेंटीमीटर ओवर 1 सेंटीमीटर 2 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड टू द पावर माइनस 2 ये सेम यूनिट में कन्वर्ट हो गया तो 5 into 10 टू द पावर 3 ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2 और ये हो जाएगा 1 सो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 5 into 10 टू द पावर 5 2 का स्क्वायर यहां पे ये 4 हो जाएगा 7 तो पूरी वैल्यू जैसे 5 जूल थी तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 5 जूल इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर 7 और सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में इस क्वांटिटी को हम अर्ग बोलते हैं अगर आपको ये नहीं पता हो तो आप डायरेक्टली इसको न्यू यूनिट लिख सकते थे ओके सर ठीक तो इस तरह से चूंकि आपको यूनिट पता था तो इसलिए डायरेक्टली हमने कैलकुलेट कर लिया ठीक है तो इस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं कभी कभी आपको जो क्वेश्चन गिवन होता है उसमें आपको नोन वैल्यूज नहीं होती मतलब किसी स्पेसिफाइड यूनिट नहीं होता तो उसमें कन्वर्जन कैसे कैसे करते हैं मैं आपको वो बताता हूँ यहाँ तक नोट डाउन करिए यस सर जैसे आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कन्वर्ट 7 न्यूटन फोर्स इनटू a system in which mass, length, time is measured as 100 gram, 50 centimeter, 10 seconds. अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए ठीक है हेलो यस सर बस एक मिनट ठीक है जब तक इस क्वेश्चन को देखिए ओके Thank you.
इसको कैसे सॉल्व करेंगे? न्यूटन को पहले उसके उसमें ब्रेक करेंगे सेंटीमीटर ऑन सब में. देखिए यहाँ पे जो नंबर दे रखा है फोर्स इक्वल्स टू 7 न्यूटन. इसका मतलब होगा न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट इज 7 एंड आपका डायमेंशन ऑफ फोर्स इज mLt-2. सो यहाँ पे m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c, आपको a, b, c इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई. ठीक है, सो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं. तो n2 इज इक्वल्स टू n1 अपॉन m2 टू द पावर a, l1 अपॉन l2 टू द पावर b एंड t1 अपॉन t2 टू द पावर c. अब देखिए आपको n1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7. ठीक है, m1 आपका kg में तो 1 kg एज इट इज लिख दीजिए. m2 आपको दे रखा है 100 ग्राम तो उसको एज इट इज लिख दीजिए पावर 1. l1 इज मीटर एंड यहाँ पे 50 सेंटीमीटर पावर 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड टू द पावर 10 सेकेंड है ना. हाँ, अब यहाँ पे केजी के टर्म में दे रखा है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए. 7,000 ग्राम अपॉन 100 ग्राम टू द पावर 1. 100 सेंटीमीटर अपॉन 50 सेंटीमीटर टू द पावर 1 एंड 1 अपॉन पावर माइनस 2. तभी हो जाएगा 0,0 कैंसिल आउट तो हो जाएगा 10. 52 पावर माइनस 2 है तो उसको रिवर्स कर दीजिए प्लस 2 100 हो जाएगा. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.4 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू न्यू यूनिट, क्योंकि वो यूनिट आपको पता नहीं है. Yes, sir. तो इस तरह आपको अगर अननोन कोई यूनिट में टर्म में कन्वर्ट करना हो तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं. ठीक है, yes, sir. Okay. तो आप इतना करके रखिएगा एंड इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वो करके रखिएगा. ठीक है, तो okay, चीजें आपको समझ आई हो. ठीक है, डाउट सर निकालेगा फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं. ओके सर, थैंक यू सर.